बिलाल तुझ पर निसार जाऊं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका भाई मोहम्मद सलमान रजा कादरी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सलमान रजा ऑफिशियल। तो आज आप लोग सोच रहे होंगे कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो कहाँ चला गया सिहाब भाई का। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बता दूं कि मैं आज जो है घर पे नहीं हूँ और मैं 3 दिन के लिए बाहर आया हुआ हूँ। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पे पहली बार आया हूँ तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। इंशाल्लाह ताला सब्सक्राइब कर देंगे तो एक बात आपसे बहुत ज़रूरी करनी है आज मुझे सिहाब भाई के ताल्लुक से। तो प्यारे दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी बात और है कि ये जो आप बराबर में नंबर देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मेरा नंबर नहीं है ना ही ये नंबर सिहाब भाई का है। ये आयुर्वेदिक दवा की कंपनी का नंबर है, किसी भाई को भी अगर ज़रूरत हो। और एक खुशखबरी आपके लिए ये है, किसी भाई को ज़रूरत हो मेरा नाम लेकर, सलमान रजा कादरी यानी मेरा नाम लेकर अगर कोई भी भाई इन भाई से बात करता है तो उसको 500 रुपये की छूट मिलेगी सिर्फ 3 दिनों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिनों के लिए इस नंबर पर कोई भी कॉन्टैक्ट कर सकता है, 3 दिनों के लिए आपको 500 रुपये की छूट मिलेगी। तो इंशाल्लाह ताला जिस भाई को ज़रूरत हो इस दवा की तो वो मंगवा सकते हैं। तो इंशाल्लाह चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बता दूँ आपसे दोस्तों, सिहाब भाई को अभी कम से कम 1 से 2 हफ्ते भी लग सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। देखिए, टूरिस्ट वीज़ा जो होता है, टूरिस्ट वीज़ा सिहाब भाई को देने के लिए तैयार है पाकिस्तान, लेकिन सुनने में आया है कि जो सिहाब भाई के साथ रहते हैं हमारे भाई, जिनका नाम मैं भूल गया, लेकिन उनका हाँ वो उदयपुर से सिहाब भाई के साथ हैं और चश्मा लगाते हैं, आपने काफ़ी वीडियो में उनको देखा होगा। तो उन्होंने बताया कि ट्रांजिट वीज़ा जिसमें टाइम लग रहा है, पाकिस्तान टूरिस्ट वीज़ा देने के लिए सिहाब भाई को तैयार है, लेकिन सिहाब भाई को जो चाहिए वो ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, जिसकी वजह से अभी देर हो रही है। और इंशाल्लाह ताला अभी कुछ भाई ने बताया कि कुछ छुट्टियां चल रही हैं, वो वीडियो भी मैं आपको आने वाले अगली वीडियो में दिखा दूंगा कि जिसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो रहा है। जो गृह मंत्रालय यानी कि जो विदेश मंत्रालय हैं यानी कि जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे उनको लेटर भेजा जाएगा और लेटर के बाद में वीज़ा मिलेगा, उसके बाद में सिहाब भाई पाकिस्तान में एंट्री करेंगे। जो भाई परेशान रहते हैं मुझे कॉल करते हैं, बेशुमार कॉल आती हैं, दिन में 150 से 200 कॉलें मेरे पास आ रही हैं कि सिहाब भाई निकले ना निकले, कब निकलेंगे। भाई लोग आप फ़ोन ना करें प्लीज़ यार, आपको हम सारी अपडेट वीडियो में बता देते हैं। रोज़ाना सुबह को 9 बजे हमारे चैनल पर सलमान रजा ऑफिशियल पर जो अभी आप देख रहे हैं, रोज़ाना 9 बजे वीडियो आ जाती है, तो आप उसमें देख कर समझ जाया करें कि हाँ अभी क्या अपडेट चल रही है। सिहाब भाई जैसे ही पाकिस्तान के अंदर एंट्री करेंगे इंशाल्लाह ताला हम आपको लाइव दिखाएंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो आज मैं आपके सामने कुछ हमारे भाइयों ने कुछ बहनों ने फरमाइश की है कलाम की, वो पेश करता हूं और आपको अच्छा लगे तो पसंद आए दुआओं से नवाजें। और एक खुशखबरी और है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो 4,10,000 हो गए हैं। ये हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, ये हमारी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग हमारे सब्सक्राइबर नहीं, हमारी फैमिली हो। सनशाइन हर्बल मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए जड़ी बूटियों से तैयार करदा असरदार दवा। इसके अलावा वजन बढ़ाने और मोटापा कम करने के लिए लाजवाब दवाएं इंडिया में कहीं भी हासिल करने के लिए अभी कॉल करें। तो मैं आपको कलाम सुनाता हूँ, इंशाल्लाह ताला कलाम पूरा सुन के जाएं आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए सुनते हैं। तेरे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फे दवा में सादरे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फे दवा में सामदीन वाले कहीं मकामी हो उनके दर पर कयाम में सामदीन वाले कहीं मकामी हो उनके दर पर कयाम में सा बिलाल तुझ पर निसार जाऊं के खुद नबी ने तुझे खरीदा। बिलाल तुझ पर निसार जाऊं के खुद नबी ने तुझे खरीदा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। नसीब हो तो नसीब ऐसा, गुलाम हो तो गुलाम ऐसा। दरे नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फे दवा
और नमाज अक्सा में जब पढ़ागे तो अंबिया और रसूल ये बोले, हाँ नमाज अक्सा में जब पढ़ागे तो अंबिया और रसूल ये बोले। नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। दर नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फे दवाम ऐसा, मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा। और सुने के लावो पे नामी को पाया, लवो पे नामी नबी जब आया, दूर पहाड़ सो को पाया, जो टाल देता है मुश्किलों को, जो टाल देता है मुश्किलों को, मेरे नबी का है नाम ऐसा, जो डाल देता है मुश्किलों को, मेरे नबी का है नाम ऐसा, जो डाल देता है मुश्किलों को, मेरे नबी का है नाम ऐसा। दर नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फे तवाम ऐसा। आखिरी शेर सुने इस कलाम का और मोहब्बत से कहे या रसूल अल्लाह, मैं खालिद अपने नबी पे जिनका खुल के अजीम कुरआन, मैं खालिद अपने नबी पे कुर्बान है जिनका खुल के अजीम कुरआन, है रोशनी जिस की दो जहां में, है रोशनी जिस की दो जहां में, यही है माहे तमाम ऐसा, है रोशनी जिस की दो जहां में, है रोशनी जिस की दो जहां में, यही है माहे तमाम ऐसा। दर नबी पर ये उम्र बीती हो हम पे लुत्फे दवाम ऐसा, मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा। और हुसैन कुरआन के है वो कारी, जोनों के नेज़ा पे भी ये बोले, हुसैन कुरआन के है वो कारी, जोनों के नेज़ा पे भी
ये बोले सिव खुदा के ना सर झुकाना, सिव खुदा के ना सर झुकाना, दिया जहां में पया में सा, सिव खुदा के ना सर झुकाना, दिया जहां में पया में सा, दर नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फे दवा में सा, मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा, दर नबी पर ये उम्र बीते हो हम पे लुत्फे दवाम ऐसा, मदीने वाले कहे मकामी हो उनके दर पर कयाम ऐसा। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपने सभी ने कलाम अच्छे से सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आखिर तक ये कलाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आती हैं कि हम तुम्हारा कलाम पूरा सुनते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं। तो इंशाल्लाह बड़ा दिल खुश होता है मेरा जब मैं आपकी कमेंट पढ़ता हूँ। और आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह दिल से दुआ निकलती है, अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्ना पूरी करे। तो मैं आपसे बता दूँ कि मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं 3 दिन के लिए बाहर आया हुआ हूँ। तो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं कहाँ पर बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप इसको देखें ज़रूर। देखिए, ये मदरसा है और मदरसे के अंदर ही कुछ बच्चे बैठे हैं तलबा, माशाल्लाह। और ये मदरसा है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मुरादाबाद शहर के अंदर। हाँ, ये मदरसा, ये देखिए साउंड सिस्टम का सामान रखा है, ये सब अपना ही अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपसे बताया होगा, कभी पहले लाइव में बताया था कि मेरा साउंड सिस्टम का भी काम है। मैं इस्लामिक जो प्रोग्राम होते हैं सिर्फ उनमें ही साउंड लगाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद उसे ऑपरेट करता हूँ, क्योंकि मैं नाज़ शरीफ पढ़ता हूँ तो मैं जानता हूँ कि कौन कैसा पढ़ रहा है, उसी के हिसाब से मैं एडजस्ट करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, और ये वीडियो आप जो देख रहे हैं वो 8 अक्टूबर को देख रहे हैं। 8 अक्टूबर में इस वीडियो को आप देख रहे हैं, लेकिन मैंने ये शूट जो थी कल शाम ही कर ली थी, यानी कि 7 अक्टूबर में ईशा की नमाज़ के बाद में रात में मैंने ये शूट करी थी, और आप इसको आज देख रहे हैं इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको सलामत रखे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। शहाब भाई को 1 हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन कोई भी भाई निराश ना हो। शहाब भाई का जो भी मामलात हैं, जो उनका कागज़ों में अभी कमी चल रही है, जो उनको फॉरेन मिनिस्टर से लेटर मिलेगा वो लेने की कोशिश कर रहे हैं, और हम भी सरकार से, भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप जो है शहाब भाई को जल्द से जल्द फॉरेन मिनिस्टर के जरिए वो लेटर दे दें, जो कि पाकिस्तान वाले शहाब भाई को ट्रांजिस्ट, यानी कि वीज़ा जो होता है ट्रांजिस्ट वीज़ा, उनको दे दें, और इंशाल्लाह ताला शहाब भाई अपना सफ़र शुरू कर दें। तो कोई भी ये ना समझे कि शहाब भाई को वीज़ा नहीं मिला या नहीं मिलेगा, पाकिस्तान ने धोखा दिया है। टूरिस्ट वीज़ा शहाब भाई को देने के लिए पाकिस्तान तैयार था और अब भी तैयार है, लेकिन टूरिस्ट वीज़ा शहाब भाई को नहीं चाहिए। जैसे कि उदयपुर वाले हमारे भाई ने बताया कि शहाब भाई को जो चाहिए वो ट्रांजिस्ट वीज़ा चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला आप लोग दुआ करें वो वीज़ा शहाब भाई को जल्द से जल्द मिल जाए। भारत की जो फॉरेन मिनिस्टर है, मतलब जो विदेश मंत्रालय है, फॉरेन मिनिस्टर है, वो उनको लेटर देंगे, और लेटर के बाद में उनको वीज़ा मिलेगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोग बने रहें हमारे चैनल पर, जो भी अपडेट आएगी इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं सुबह को 9 बजे नई वीडियो में।